पति किसे कहते हैं बताओ, इंग्लिश में मत बताना हस्बैंड, वो नहीं पूछ रहा, मतलब पति का सच्चा अर्थ क्या है, पति का मतलब क्या होता है। पति का मतलब होता है जो प्रतिपल हमारी संपूर्ण इंद्रियों की रक्षा करे, प्रतिपल, और यह काम केवल भगवान करता है, यह काम केवल परमात्मा करता है। लेकिन हमारे भारत की एक संस्कृति है, एक परंपरा है कि हर स्त्री अपने पति को देवता मानती है, यहां तक कि देवता भी छोड़ो, पति परमेश्वर कहती ना, पति परमेश्वर। अब देखो, पतियों ने भी माने, बिल्कुल मानना चाहिए, मैं तो कहता हूं हर स्त्री को अपने पति को परमेश्वर जरूर मानना चाहिए, लेकिन जिस पति को वो परमेश्वर मान रही है उस पति में परमेश्वर का भाव नहीं आना चाहिए, है? वो फिर अपने आप को परमेश्वर ही ना मान ले, उसकी भी एक सीमा है, मानो खूब मानो, लेकिन सच्चा पति परमात्मा को बताया। हम लोगों ने एक अर्थ गलत कर लिया, या तो आप इसे मेरी, मुझे गलत ठहरा सकते हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेरी ऐसी सोच है कि लोगों ने कहा कि बोले पति परमेश्वर होता है, पति परमेश्वर होता है, ये संसार के लोगों में एक फैल गया कि पति परमेश्वर, लेकिन मैं कहता हूं पति ये परमेश्वर, ये जो बैठा है ना, ये पति परमेश्वर है, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन लोग क्या कहते हैं, मैं परमेश्वर हूं, स्त्री पत्नियों से कहते हैं मैं भगवान तुम्हारा है, अच्छा है भाई, मानो खूब मानो, लेकिन भागवत में पति का अर्थ क्या बताया है, जो प्रतिपल हमारी प्रत्येक इंद्रिय की रक्षा कर सकता है। अगर अगर कोई पति तुम्हारा ऐसा कर रहा है, अगर कोई पति संसार में भी ऐसा कर रहा है तो वो भी देवता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पति भी तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं भाई, हाँ अच्छा मतलब तुम खुद ही बोले मैं हूं ऐसा है, देखो कितनी हिम्मत है बोलने की, बगल में ही बैठी है फिर भी हिम्मत, देखो इनकी हिम्मत है? नहीं, खैर ये बात तो माननी पड़ेगी, अग्रवाल समाज में पत्नियों का बहुत सम्मान है, ये तो मानना पड़ेगा, बहुत सम्मान। मैं तो अक्सर अग्रवालों में ही रहता हूं, अग्रवाल हुए, माहेश्वरी हुए, ये सब समझते हैं, क्योंकि सत्संग में अधिकतर भगवान से जुड़े हैं तो वो समझते हैं, और करना भी चाहिए भाई, करना भी चाहिए। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान न हो, जिस घर में पत्नी का सम्मान न हो, उस घर में तो देवी देवता कभी आते ही नहीं।